कक्षा 10वीं कृष्ण फल्ली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परिचय पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना पेपर देने से पहले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना इस वीडियो को, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने वाला रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। ठीक है, आपका समाज विज्ञान का सोशल साइंस के पेपर है, और आपका हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहने वाला। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट कोड वो आपका 300 रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प, तो आपका यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहला था वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका आता है यहाँ पर रबी, और बाद खरीफ, और साथ जायद फसल, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जो आपका यहाँ पर दिए वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा खरीफ। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा था कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, तो आता 2, और बाद 3, और 7, 4, और दाता 5। तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं आपके 3 प्रकार के, तो 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, तो आपका आता सड़क परिवहन, और बाता वायु परिवहन, और साथ रेल परिवहन, और दाता पाइपलाइन। तो जो आपका यहाँ पर यह भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा सड़क परिवहन। ठीक है, तो अच्छे से याद करते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, केरल, बाता महाराष्ट्र, और साथ तमिलनाडु, और दाता गुजरात। तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो अच्छे से याद करते जाइए, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना जिससे आपके यहाँ पर गैलरी में सेव होती जाएंगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर पाँच माता लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो आपका आता राजतंत्र, और बाता समानता और भाईचारा, साथ शासन चलाना, और दाता निरंकुश शासन। तो जो आपके यहाँ पर दिया लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा समानता और भाईचारा। फिर आपका यहाँ पर छह माता पालर पानी कहा जाता है, तो यहाँ पर पालर पानी कहा जाता है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल आपका रहेगा यहाँ पर 6 में करेगा आकरेक्ट आंसर भूमिगत जल। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जो पहला आपका दिया गया पहले करेगा आपके यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, खरीफ। फिर आपका जो दूसरा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लो मटेरियल, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपके यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता इन विच स्टेट इज सूरत, ठीक है, पोर्ट लोकेटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर पाँच माता भाट इज द बेसिस मंत्र ऑफ लोक, ठीक है, तंत्र, ठीक है, सॉरी, आपका यहाँ पर भाट इज द बेसिक मंत्र ऑफ लोकतंत्र। तो यानी जो आपके यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 5वीं का वो आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, और जो 6वां आता तो 6वीं का रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है, तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मोहसिन राम में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मोहसिन राम आपका पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, मोहसिन राम। फिर आपका यहाँ पर दूसरा जल परिवहन देश का सबसे डॉट डॉट परिवहन का साधन है, तो यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सस्ता परिवहन का साधन, तो आपका यहाँ पर सस्ता हो जाएगा दूसरे का उत्तर, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट में शुरू हुआ, तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 रहेगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 8 अगस्त, यहाँ पर आप देखते हैं 8 अगस्त 1942, ये आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, चौथा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे, ठीक है, माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो चौथे का उत्तर रहेगा वो आपका यहाँ पर सांप्रदायिकता हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, लोकतंत्र में सरकार डॉट डॉट चुनी जाती है, तो यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जनता द्वारा आपका रहेगा यहाँ पर 5वीं का उत्तर। ठीक है, जनता द्वारा। जो आपका 6वां था तृतीय क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र भी कहते हैं, तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र को, ठीक है, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो सेवा रहेगा आपका यहाँ पर 6वीं का उत्तर।
तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका मोहसिन राम, दूसरे का आंसर सत्ता और तीसरे का आंसर आपका 8 अगस्त 1942, चौथे का उत्तर आपका सांप्रदायिकता, पाँचवें का उत्तर आपका जनता द्वारा और छवें का उत्तर आपका सेवा। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिससे आपका गैली में सेव हो जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से याद कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लिए, आपका पहला यहाँ पर आता है दूसरा, ठीक है, जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पर आता है, चौथा, पाँचवा, छवा, तो देख लीजिए। अब आती है सही गुणगुना के लिखी छह नंबर की आती है, तो पहली आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसको आपको यहाँ पर कपड़ा से मैच करना है, और दूसरी आती है बेंगलुरु, तो इसको आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से मैच करना है, ठीक है। फिर तीसरी आती है आपकी गोल में सम्मेलन, तो ये आपका यहाँ पर जो गोल में सम्मेलन है वो आपका लंदन में हुआ था पहला, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर तीसरे से मैच करना है, यानी जो आपके यहाँ पर दी गोल में सम्मेलन इसको आपको लंदन से मैच करना है। चौथी आती मानव विकास, तो इसको आपका यहाँ पर UNDP से मैच करना है। और पाँचवीं थी वाणिज्य, तो इसको आपको यहाँ पर राज्य सूची से मैच करना है। जो छवीं थी प्राकृतिक पत्न, तो इसको आपको मुंबई से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर छः नंबर की सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दी कॉल में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सही जोड़ी मैच कराई, तो उस हिसाब को मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, चलिए आपका प्रश्न 4 आता है, इस बाग मतदी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो पहले का आंसर का यहाँ पर जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, जूट रहेगा आपका पहले का आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जूट को, ठीक है, यानी जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है, 4 आपका रहेगा यहाँ पर 4 वर्गों में, ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा था विचारधारा का आशा समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना, ठीक है। और जिसको भी यहाँ पर विचारधारा का आशा समझाइए, इसका आंसर जिसको भी पता हो यहाँ पर कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर आपका चौथा आता साइमन कमीशन भारत का आया, तो इसका आंसर आएगा 1928 में, ठीक है। यहाँ पर साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ठीक है, 1928 में। फिर आपका यहाँ पर आता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में यहाँ पर, ठीक है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो इसका आंसर आएगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ये आपका रहेगा पाँचवें का उत्तर। फिर आपका छवां था मुद्रा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, मुद्रा धन का वह रूप है जिसमें दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, ये आपके यहाँ मुद्रा की परिभाषा हो जाती है, ठीक है, मुद्रा धन का वह रूप है जिसमें दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, एक शतभाग में होता है सॉल्यूशन, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपका तीसरे का आंसर है विचारधारा का आशा समझाइए, इसका आंसर आपको खुद करना, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। आप प्रश्न 5 आता सत्य असत का चयन करके लिखिए, तो जो आपका पहला आता नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो दूसरा रहेगा आपका सत्य। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर चौथा आता ठीक है लैंगिक समानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो चौथा रहेगा आपका यहाँ पर असत्य। और पाँचवा था लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां था केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो छठवां भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एर आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पाँचवा सत्य, छठवां सत्य, तो स्क्रीन शॉट लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है, राइट एंड बाय चूसिंग ट्रू प्लेस, ठीक हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया तो उसी तरह से आपको कर लेना, ठीक है। पहला आपका था दूसरा, और साथ ही आपके यहाँ पर आता तीसरा, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो जिस तरह से हमने बताया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए उसी तरह से आपको याद कर लेना। अब आते हैं आपके प्रश्न 6, संसाधन किसे कहते हैं, अथवा भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया था भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 पार लिखी, ठीक है, तो ये रहे आपके यहाँ पर 2 पार, राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनका प्रौद्योगिकी व तकनीकी रूप से प्रयोग करना, और दूसरा रहेगा संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 उपाय हो जाते हैं, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता काली मिट्टी की दुष्टता लिखिए, अथवा जोड़ मृदा की दुष्टता लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपके यहाँ पर काली मिट्टी की विशेषता लिखनी थी, तो ये रही आपके यहाँ पर काली मिट्टी की विशेषता, आप यहाँ पर इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता प्रसिद्ध है, और दूसरा का इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है, जिससे स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए, अथवा आता कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए,
तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आठवीं का अथवा दिया गया है, जिसमें आपके यहाँ पर कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख, शक्कर उद्योग व कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन आठवीं का अथवा है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है, अथवा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन नौवीं का अथवा दिया गया, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, कच्चे माल माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पर प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, ठीक, कृषि आधारित और खनिज आधारित दो प्रकार के होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका यहाँ पर कृषि आधारित है, इसके अंतर्गत भी आते हैं सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय, कॉफ़ी, तेल उद्योग, ठीक है। और आप यहाँ पर खनिज आधारित रहेंगे आपके लोहे इस्पात उद्योग, सीमेंट, ठीक है। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, जल्दी से देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर भारत में किन वस्तुओं का, ठीक है, आयात मुख्य रूप से होता है, अथवा था राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दसवीं का अथवा दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब आता आपके यहाँ पर ग्यारहवां क्वेश्चन, देश की पहली, ठीक है, रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई, और जो इसका आपका अथवा, ठीक है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। तो इसका उत्तर, आप यहाँ पर भारतीय रेल परिवहन देश सबसे सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई और थाड़े के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी पर तय करती थी, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट। और फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कारोबार का केंद्र कहाँ था, अथवा था आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कारों का केंद्र कहाँ था। तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में चलने वाले कारों का केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन था, ठीक है। आपका यहाँ पर उत्तर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता, इंग्लैंड कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ, और आपका अथवा आता, भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया था, भारतीय व्यापारियों का, ठीक है, निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा, बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कम कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे, ठीक है। इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर टूटने लगा था, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता, भारत में पुनः जागरण का आंदोलन पिता कौन है, और अथवा था मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, भारत में पुनः जागरण का आंदोलन के पिता कौन थे। तो इसका उत्तर अगर राजा राम मोहन राय को भारत में पुनः जागरण का आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता, विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ, अथवा तो वुड ब्लॉक किया एवं किस देश से संबंधित था। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ। तो आप यहाँ पर, विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ यूरोप महाद्वीप में हुआ, ठीक है। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता, सुरमा मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, और अथवा था घरेलू उत्पाद से, ठीक, घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे, मनरेगा को 100 दिन रोजगार, ठीक है, 100 दिन रोजगार योजना कारक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, राज का उत्तर, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, जिसमें आपका यहाँ पर आता, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, अथवा आता संबंधित विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका उत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, लगा रखा था, ये आपको उत्तर हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, जिसमें आपका आता है, 18वां पारिस्थितिक तंत्र क्या, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए, और अथवा था भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए, ठीक है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आप 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 20वां आता, रेड की शर्तों का वर्णन कीजिए, अथवा था विकास में रेड की भूमिका को समझाइए। फिर आपका 21वां आता, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए, अथवा था जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता 22वां, जिसमें आप यहाँ पढ़ते हैं, कोयले की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, अथवा था ऊर्जा के गैर परंपरा साधनों का वर्णन कीजिए। फिर आपका 23वां आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाना, ठीक है, तो इन सभी को आपको भारत के मानचित्र दर्शाना, साथ ही अथवा था भारत के मानचित्र में निम्नलिखित
खनिज तेल क्षेत्र को दर्शाइए, ठीक है। और जो भारत का मानचित्र वो हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि भारत का मानचित्र आपको अभी दिखाएंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा, साथ ही उसको आपको भरकर भी दिखाना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही यार आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।